नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। दर्शकों, स्वास्थ्य चेतना में हम जैसा कि बात करते हैं अपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की। देखिए, परेशानियों पर चर्चा तभी सार्थक है जब उसके साथ उस परेशानी का हल भी हमें मिले। और अगर हल ये बहुत ही आसान सा लगने वाला हो, हमारे घर की रसोई में छिपा हो, घरेलू नुस्खों के रूप में हो, या फिर हमारी जीवन शैली को महज सुधारने से काम बन जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। आज के इस कार्यक्रम में भी हम कुछ इसी तरह से परिचर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने अपने दर्शकों से इस बात को साझा किया कि कितना अच्छा हो अगर हमारी जीवन शैली ऐसी हो जिससे हम गंभीर बीमारियों की चपेट में ना आने पाएं। आजकल की अगर बात की जाए इन दिनों की, तो इन दिनों सबसे ज्यादा डायबिटीज और मोटापे के पेशेंट हर घर में लगभग देखे जाते हैं। डायबिटीज का पेशेंट ऐसा कोई घर नहीं मिलता जिस घर में डायबिटीज के पेशेंट ना हो। मोटापा एक समय में जो बहुत ही रेयर परेशानी मानी जाती थी, या उम्र बढ़ने के साथ साथ मोटापे की ओर हम बढ़ते थे, कोई यदा कदा कोई शख्स हमें अजीब सा मोटा सा जाता था जिस पर बात होती थी कि अरे भाई क्या किया जाए, अब तो उम्र हो रही है, वजन बढ़ रहा है, लेकिन अब मोटापा भी कॉमन डिजीज हो गई है। क्या इसका संबंध हमारे लाइफस्टाइल से है? ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं जिसके चलते इन बीमारियों की चपेट में हम आ रहे हैं? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी। सबसे पहले मैं जो आपने पूछा है कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं जी अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी जीवन शैली में क्या क्या भूलें करते हैं जो एक बड़ी बीमारी के रूप में सामने आते हैं भविष्य में जी। आज चाहे हार्ट की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो, ब्लड प्रेशर हो, या बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के डिसऑर्डर्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज मेलाइटस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी जोड़ों के बीमारी भी हमारी लाइफ स्टाइल की देन है। विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमारी लाइफ स्टाइल की, हमारी खाए खराब लाइफ स्टाइल की एक उपहार है जी। प्रश्न आपने बहुत सुंदर बात पूछी, लाइफ स्टाइल कहाँ खराब है जी, और हमें कैसे मालूम पड़े कि हमारी लाइफ स्टाइल खराब है। बिल्कुल। तो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि हमें अपनी लाइफ स्टाइल, ये हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, जगह जगह व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में और हर जगह कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज है जी। आखिर लाइफ स्टाइल अच्छी क्या होनी चाहिए? अगर ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीजेज है तो हम लाइफ स्टाइल को ठीक करके उन बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं, या अगर हम एक हेल्दी लाइफ लीड कर रहे हैं तो हम उन बीमारियों से ग्रसित होने से बच सकते हैं जी। बिल्कुल। अब तीन मुख्य बातें हैं नंदिनी जी जो हमारी दैनिक जीवनचर्या में अब बदलती जा रही है, अब भूल की तरफ, गलती की तरफ चलती चली जा रही है। सबसे पहली बात, मानसिक तनाव जी। हम अनावश्यक तनाव को ओढ़ते जा रहे हैं, सही नींद नहीं लेते हैं, रात्रि में टेढ़े लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गर्दन कहीं झुकी है, पैर कहीं पड़े हैं, कम्बल ओढ़े हैं, गर्मी का मौसम है, एसी चला रहे हैं, ये क्या है? प्रकृति के विरुद्ध आचरण है। हम न तो सही ढंग से उठते हैं, न सही ढंग से बैठते हैं, न सही ढंग से अपने निद्रा को लेते हैं, 8-7 घंटे की गहरी और शांत निद्रा की तरफ जाते ही नहीं। बिल्कुल। हमें सबसे पहले इस बिंदु पर चिंतन करना हो, जो हमारे मानसिक तनाव का कारक है। तनाव व्यस्ततापूर्ण लाइफ नहीं है जी नंदिनी जी, जी, जी। व्यस्तता हम खुद बनाते हैं। हम गहरी और शांत नींद जब नहीं लेते हैं
तो मन भटकाव में रहता, हम अपने कार्य को सही वक्त पर कर नहीं पाते, डिले होते जाते हैं जो बाद में तनाव का कारण बनते हैं। और हम कहते हैं, यह आम इंसान सोचता है कि साहब नौकरी बहुत खराब है, नौकरी बहुत खराब है, बहुत काम का लोड बहुत है जी, बहुत काम का लोड है। जबकि सत्यता ये नहीं है। अगर आप उस पद के लिए मानसिक स्तर पर पूर्ण योग्य हैं, तो उस पद पर जितना काम है आप सहजता से कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग जब रात्रि में पूरी तरह विश्राम नहीं कर पाता है, सही नींद पूरी नहीं होती है 7 से 8 घंटे की, तो ये दिमाग पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर पाता है और हमें आलस, जमाई आती है, काम को टालने की इच्छा होती है और थोड़े दिनों में काम का अंबार लग जाता है और हम ये सोचते हैं कि साहब इस नौकरी में काम बहुत है, बहुत तनाव है। तो मेरी सबसे पहले अपने दर्शकों से ये विनम्र विनती है कि आप अच्छे बेड पर, साफ सुथरे बिस्तर पर 7 से 8 घंटे की रात्रि की नींद लें। ऐसा ना करें कि सुबह 4 बजे सोएं और दिन में 9 बजे उठें। सूर्योदय आप देख ही नहीं रहे जी, ये प्रकृति के विरुद्ध आचरण हुआ। नींद तो पूरी हो गई लेकिन ये प्रकृति के विरुद्ध आचरण हुआ। प्रकृति के बताए मार्ग पर चलते हुए हम नींद को लें, हम उचित मात्रा में मस्तिष्क को विश्राम दें, जिससे कि तनाव, एंजाइटी आपके पास ना फटके जी, आप उससे ग्रसित ना हो और दूसरों से बेहतर आप कार्य कर सके। दूसरी बात नंदिनी जी, ये थोड़ा सा लंबा जवाब हो गया है जी, जी। दूसरी बात, हम अपने आहार पर, हम जो आहार ले रहे हैं, हम गेहूं के आटे की रोटियां खा रहे हैं, जो आटा है वो 1-1 महीने पुराना है, 1.5-1.5 महीने पुराना है, उसमें एक्सपायरी डेट 3 महीने की लिखी है, लेकिन क्या हम अपने मन मस्तिष्क से चिंतन करें, एक बार जरूर विचार करें कि क्या 1.5 महीने पुराना गेहूं का आटा हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा? और 1.5 महीने तक अगर वो सुरक्षित है तो कितनी मात्रा में उसमें पेस्टिसाइड डाले गए होंगे, क्या क्या केमिकल्स डाले गए होंगे? बिल्कुल, एक बात। दूसरी, पानी हर जगह लिखा है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे आहार विज्ञानी बताते हैं कि पानी शुद्ध और ताजा होना चाहिए। हम विदेशी कंपनियों के बहकावे में आके शुद्धता के नाम पर बोतल बंद पानी पीते, ये बोतल बंद पानी महीनों पुराना होता, क्या स्थिर पानी, एक जगह रुका हुआ पानी पीने योग्य होता है? इस पानी में भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे जी। हमें इन छोटी छोटी बातों को, जो हमारे आज आहार का अंग बन गया है, हम मैदा खा रहे हैं, हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं जो केमिकली ट्रीटेड है, हम अपने आहार को सात्विक बनाएं, जंक फूड, फास्ट फूड को कभी कभार की चीज रखें कि साल 6 महीने में कभी खा लिया। हम सात्विक आहार लें, प्राकृतिक आहार का भरपूर मात्रा में सेवन करें और अपनी जीवन शैली में बदलाव करें। ये 2 उपाय। और तीसरा उपाय, श्रमहीन जो जीवन हो गया, लग्जीरियस लाइफ हो गई है नंदिनी जी, ये 2500 बीमारियों का, सैकड़ों बीमारियों का कारक है। हम मेहनत करना ही नहीं चाहते, मां चाहती नहीं है कि उसका बच्चा 5 किलो का वजन उठा के कोई काम करे जी, तुरंत रोकती है, अरे अभी तो छोटा है, 12 साल का बच्चा हो गया, बोले अभी तो मुन्ना है, अभी तो छोटा बच्चा जी, है। जी, बिल्कुल। हमें बच्चों को श्रम साध्य बनाना होगा, हमें इनसे उतनी शारीरिक श्रम करानी चाहिए कि शरीर के आंतरिक अंगों का व्यायाम हो जाए, आंतरिक अंग की एक्सरसाइज हो जाए और आंतरिक अंग सशक्त बने, बलशाली बने,
हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो। अगर हम इन तीन सावधानियों का पालन करें, नंदिनी जी मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि आज के समय की वर्तमान युग की 80% जो शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, जो रोग हैं, जो दुख दे रहे हैं, जो कष्ट दे रहे हैं, उनसे हम बच सकते हैं, उनसे हम बचाव संभव है। बिल्कुल, तो बिल्कुल बचाव संभव है अगर सही दिशा में हम प्रयास करें, और बिना जानकारी के ये संभव नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि आधुनिक होने के इस फेर में और इसके साथ साथ हम प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। हम अगर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जिम भी कर रहे हैं, तो एक बंद हॉल में कर रहे हैं। शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो मॉल के अंदर जा रहे हैं। और सुबह देर से सोकर के उठना, जैसे कि आपने इस बात का जिक्र किया कि सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे में जो नेचर से हमारी दूरी देखते जा रहे हैं, ये वाकई में कितनी घातक हो सकती है। नंदिनी जी, महिलाएं भारतीय संस्कृति में बहुत आदरणीय है, पूजनीय है जी। और हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान का है, चाहे किसी महजब का हो, औरत के प्रति, स्त्री तत्व के प्रति उसका सम्मान का भाव होता है। मैं इस मात्र शक्ति को एक संदेश देना चाहता हूं, उनके भटके हुए मन को एक बार सत्यता का एक दीपक दिखाना चाहता हूं। आप घर के काम से जी चुराते हैं, करना नहीं चाहते घर के काम, खाना बनाना, बर्तन धुलना, घर की साफ सफाई करना, कपड़े धुलना, ये मात्र शक्ति का एक प्रमुख कार्य सदियों से रहा है। आज मात्र शक्ति पुरुषों से आगे बढ़ के नौकरी, बिजनेस, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहे, लेकिन इसके बावजूद कोई पुरुष मात्र शक्ति से अच्छा खाना नहीं बना सकता। घर की देख रेख मात्र शक्ति से अच्छा पुरुष नहीं कर सकता। ये ईश्वर प्रदत्त है, ये प्रकृति प्रदत्त है। तो मैं अपनी मात्र शक्ति से ये विनती करना चाहूंगा कि वो घर के काम में रुचि लें और शर्मिंदगी ना महसूस करें जी। दूसरे लोग, अभी आप घर में झाड़ू लगाने लगे, लोग कहते हैं अरे आप झाड़ू लगा रहे। झाड़ू लगाने से स्त्री के ही नहीं, चाहे पुरुष कोई भी लगाए, गर्दन से लेके पैर के अंगूठे तक एक एक अंग के, एक एक जोड़ का व्यायाम हो जाता है, फेफड़ों का व्यायाम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, हमारे मन मस्तिष्क को सुकून मिलता है कि हमने अपने घर को स्वच्छ कर लिया, ईमानदारी से स्वच्छ कर लिया। लेकिन आज उल्टा हो गया है, हम घर में काम करने के लिए काम वालों को पैसे देते हैं जी, नंदिनी जी, और अपने शरीर से काम करने के लिए जिम वालों को पैसे देते हैं जी। जी, हम अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए जिम में लंबी लंबी हजारों हजारों रुपए की फीस भरते हैं। क्या है, कहीं हम ये भूल तो नहीं कर रहे? हम सबसे पहले अपने घर के काम काज में रुचि लें, अपने परिवार को अच्छा बनाएं, खुशहाल बनाएं, परिवार को स्वस्थ बनाएं। जो लोग ये सोचते हैं, मात्र शक्ति में महिलाओं की बात कर रहा हूं, कि हम तो बिजनेस करते हैं, मैं कहता हूं आप पुरुषों से और आगे बढ़िए, लेकिन घर परिवार का दायित्व प्रभु ने, ईश्वर ने आपको सौंपा है। आपके अलावा पुरुष की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि घर परिवार को अच्छी तरह संचालित कर सके, या बच्चों का पालन पोषण आपके बगैर सहजता से कर सके। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि हम जिस शरीर को चलाने के लिए, हिलाने डुलाने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए जिम में पैसे भी दे रहे हैं, वही एक्सरसाइज
हम अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर माता पिता घर में बड़े एक एक सदस्य के लिए हम उस ऊर्जा को खर्च करें, अपने शरीर को उस रूप में एक्सरसाइज करें कि उनकी सेवा भी हो और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाए और जो पैसा बचे वो पैसा आपके आपके घर परिवार के काम में आए। बिल्कुल, बहुत ही सुंदरता से डॉक्टर साहब आपने बताया। देखिए, हम सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां तो घेरती ही घेरती हैं, लेकिन इन सरल और सहज तरीके से आप अपने जीवन में बीमारियों को दूर रख सकते हैं और एक स्वस्थ लाइफ को लीड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने खाने के महत्व को इसका जिक्र करते हुए बताया कि खाना फ्रेश होना चाहिए, आटे का आपने जिक्र किया। इसके साथ साथ आजकल पैक्ड फूड का भी चलन बहुत बढ़ता जा रहा है और माना जाता है कि ये क्या वाकई में डायबिटीज और मोटापे का कारण बनता है तो किस तरह से, और इसके अलावा और कौन कौन से गंभीर परिणाम इस तरीके के खाने के हमें भुगतने पड़ सकते हैं? नंदिनी जी, एक और बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे हैं, ये सोशल मीडिया से वेल अवेयर है, जुड़े हैं। आज एक चिंतन का विषय, आपने बहुत सुंदर बात उठाई, क्या माँ के हाथ से बने हुए खाद्य पदार्थ की तुलना में ये बाजार के जंक फूड, डोसा, समोसा, चाउमीन, मैगी, क्या ये माँ के हाथ के बने हुए भोजन का मुकाबला कर सकते हैं? क्या ये आपके हाथ के बने हुए, एक माँ के हाथ के, एक मात्र शक्ति के हाथ के बने हुए भोजन क्या इनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते, लेकिन मात्र शक्ति कोमल हृदय की होती है। बच्चे ने चटपटा खाया, बोले माँ मुझे अच्छा लगा, वो हृदय से चाहती है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा खाद्य पदार्थ बनाएं, अच्छे से अच्छा भोजन बनाएं, लेकिन उसको हृदय में एक सुख मिलता है कि हमने बच्चे की इच्छा पूर्ति कर दी। देखिए, दो बहुत गंभीर बात आपने पूछी। माँ का हृदय चाहता है कि वो अपने हाथ से अच्छा ताजा पौष्टिक आहार बनाए जी, लेकिन दूसरी तरफ बच्चा डिमांड करता है कि हमें जंक फूड खाना है। तो माँ के मन में ये आता है, चलो बच्चा है हमारा, वो अपनी भावनाओं को दबा लेती है जी जी, और बच्चे को जंक फूड खिला देती है जो बच्चे की अच्छी सेहत के लिए खराब है जी जी। बच्चे की स्वस्थता के लिए खराब है। अब हम अपनी मातृशक्ति से ये विनती करना चाहते हैं, ये निवेदन करना चाहते हैं कि वो अपने मन मस्तिष्क को झकझोर दे और ये चिंतन करें कि हम बच्चे की क्षणिक खुशी के लिए कहीं बीमारियों को निमंत्रित तो नहीं कर रहे हैं जी जी, क्योंकि आपसे अच्छा खाना बच्चे को जंक फूड के रूप में, फास्ट फूड के रूप में नहीं मिल सकता। माँ के हाथ के खाने में पहले तो कहते थे बरकत होती है, माँ की बरकत का मतलब सेहत अच्छी होती है, बरकत का मतलब माँ के हाथ का खाना खाने से बीमारियां दूर भागती हैं, और बच्चे का ही नहीं परिवार के हर सदस्य को खुशियां, सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो मैं अपनी मातृशक्ति से ये आह्वान करना चाहता हूँ, उनको उनके मन में एक ये बात डालना चाहता हूँ कि आपसे बड़ा शुभचिंतक, आपसे बड़ा हितचिंतक बच्चे के लिए, हस्बैंड के लिए या परिवार के दूसरे और सदस्यों के लिए दूसरा कोई नहीं हो सकता। आप दूसरे कामों में व्यस्त हैं, आप बड़ी बिजनेसमैन हैं, बड़ी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हस्बैंड के लिए अच्छे से अच्छा चिंतन रखते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप जरूर किचन में जाएं और कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ऐसा बनाएं जो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो और जिससे आपका हृदय खुश हो, हृदय प्रफुल्लित हो जाए, क्योंकि
जब बच्चे के लिए आप अच्छा बनाएंगे तो बच्चे के सेहत भी अच्छी होगी। अब रही बात कि बच्चा बार बार जंक फूड को प्रेफर करता है, आप धीरे 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 अपने बुद्धि कौशल से लड़के नहीं, डांट के नहीं, पीट के नहीं, अपने बुद्धि कौशल से बच्चे को विमुख करिए और उसे अच्छा खाद्य पदार्थ बना के दीजिए, प्राकृतिक स्वरूप में, अच्छे स्वरूप में, स्वास्थ्य वर्धक स्वरूप में, और आप देखिए कुछ सप्ताह आपको लड़ना होगा, कुछ सप्ताह आपको अपने आप से भी लड़ना होगा। जब आप ऑफिस से, बिजनेस से या घर में थके हुए शाम को आएंगे जी, तब लगेगा कि हम खाना बनाएं या बाजार से मंगा लें या जंक फूड का शॉर्टकट तय करें। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त आपको सही डिसीजन लेने होगा, क्योंकि इस समय आप अनिर्णय की स्थिति में होते हैं कि हम क्या करें जी, उसी समय बस अपना स्वास्थ्य, अपने परिवार का स्वास्थ्य, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं, आपके पास विवेक है, बुद्धि है, तो हमें अच्छे से अच्छा डिसीजन लेना है। और आज अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो आपका परिवार का जो दवाइयों का खर्चा है, जो डॉक्टरों के चक्कर काटने की स्थिति है, उसमें कमी आएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जानते बूझते हम जो गलतियां कर जाते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस परिचर्चा से, बातचीत से आप जरूर अपने स्वास्थ्य को लेकर के मोटिवेट हुए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ ही आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।